Audio Jungle. नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर से ब्रेकिंग न्यूज, बहाल की गई पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने की सदस्यता बहाल। देवत विधानसभा में सम्मिलित हो सकेंगे विधायक प्रहलाद लोधी। नरसिंहपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी जानकारी। जल्दबाजी वाले बयान पर श्री प्रजापति ने कहा, पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए ही टिकट टिप्पणी करें उत्साही लाल। सुबह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने की थी अध्यक्ष महोदय से मुलाकात। मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि पूर्व में न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनकी सदस्यता हुई थी निरस्त, तो पद रिक्त मेरे द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से स्टे को यथावत रखा गया। ऐसी परिस्थितियों में प्रहलाद लोधी की सदस्यता जो स्थगित की, जो रिक्त की गई थी, अब उसे वापस की जा रही है और उन्हें वापस वही अधिकार विधानसभा के अंदर देने की मेरे द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, ताकि वो विधिवत अपने कार्य संचालित विधायक के रूप में कर सकें। यही मुझे आप लोगों को अवगत कराना था। उसके साथ ये भी अवगत कराना था, पूर्व में जब मैंने 30 तारीख को निर्णय लिया था तो कहा गया था बहुत जल्दबाजी की गई है। अवगत करा दूं, 30 तारीख में निर्णय हुआ था, 3 दिन बाद मैंने निर्णय लिया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख को निर्णय लिया है, मैंने 3 दिन बाद फिर ये निर्णय लिया है कि उनकी सदस्यता बहाली की जा रही है। ये जल्दबाजी नहीं होती है। कभी कभी उत्साही लालों को टीवी चैनलों में जाने के बाद पहले ये सोचना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अध्यक्ष के लिए बहुत सोच समझ के टिप्पणी या टीका किया जाए, ताकि ऐसी बात पैदा भविष्य में ना हो। प्रहलाद लोधी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, आप सत्र में आइए, आप अपने जो भी ध्यान आकर्षण है उसके माध्यम से अग्रसर होइए। धन्यवाद। Thank you.